नमस्कार दोस्त, रेमेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लीवर को खराब होने के कौन कौन से लक्षण हैं जिन्हें आप पहचान सकते हैं और उसका घरेलू उपचार किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने रेमेडी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग है। यदि आपका लीवर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा है तो समझे कि खतरे की घंटी बज चुकी है। लीवर की खराबी के लक्षणों को अनदेखा करना बड़ा ही मुश्किल है और फिर भी हम उसे जाने अनजाने अनदेखा कर ही देते हैं। आजकल चारों ओर लीवर के मरीज हैं। किसी को पीलिया है तो किसी के लीवर में सूजन है, किसी का लीवर फैटी है और एलोपैथी डॉक्टर बस नियमित दवाओं पर चला देते हैं मरीज को, मगर आराम किसी को मुश्किल से ही आते देखा है। दोस्तों, लीवर की खराबी होने का कारण ज़्यादा तेल खाना या शराब पीना है और कई अन्य कारणों के बारे में हम जानते ही हैं। हालांकि लीवर की खराबी का कारण कई लोग जानते हैं, पर लीवर जब खराब होना शुरू होता है तब हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव पैदा होते हैं, यानी कि क्या इसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। वे लोग जो जानते हैं कि वे शराब नहीं पीते तो उनका लीवर कभी खराब नहीं हो सकता, यह बिल्कुल गलत है। क्या आप जानते हैं कि मुंह से गंदी बदबू आना भी लीवर की खराबी हो सकती है? क्यों, चौंक गए ना? हम आपको कुछ परीक्षण बताएंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपका लीवर वाकई में खराब है। कोई भी बीमारी कभी भी चेतावनी का संकेत दिए बगैर नहीं आती दोस्तों, इसलिए आप सावधान रहें। मुंह से बदबू, यदि लीवर सही से कार्य नहीं कर रहा है तो आपके मुंह से बदबू आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुंह में अमोनिया ज़्यादा रिसता है। लीवर खराब होने का एक और संकेत है कि स्किन क्षतिग्रस्त होने लगती है और उस पर थकान दिखाई देने लगेगी। आंखों के नीचे की स्किन बहुत ही नाजुक होती है जिस पर आपकी हेल्थ का असर साफ दिखाई पड़ता है। दोस्तों, पाचन तंत्र में खराबी, यदि आपके लीवर पर वसा जमा हुआ है या फिर कोई बड़ा हो गया है तो फिर आपके पानी भी हजम नहीं होगा। त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, यानी आपकी त्वचा का रंग उड़ गया है, उस पर सफ़ेद धब्बे पड़ने लगे हैं तो इसे हम लीवर स्पॉट के नाम से बुलाएंगे। यदि आपके पेशाब या मल का हर रोज रंग गहरे रंग का आने लगे तो लीवर गड़बड़ है। यदि ऐसा केवल एक बार होता है तो यह केवल पानी की कमी की वजह से हो सकता है। यदि आपकी आंखों का सफ़ेद भाग पीला नजर आने लगे और नाखून पीले पड़ने लगे तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका लीवर संक्रमित है। दोस्तों, लीवर एक एंजाइम पैदा करता है जिसका मतलब होता है बाइल, जो कि स्वाद में बहुत खराब लगता है। यदि आपके मुंह में कड़वाहट आने लगे तो इसका मतलब है कि आपके मुंह में तब बाइल पहुंच रहा है। जब लीवर बड़ा हो जाता है तो पेट में सूजन आ जाती है, जिसको हम अक्सर मोटापा समझने की भूल कर बैठते हैं दोस्तों, लेकिन वह मोटापा नहीं, आपका लीवर खराब है। तो दोस्तों, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपने लीवर की सफाई कर सकते हैं दोस्त। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। दोस्तों, हल्दी लीवर के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। इसलिए हल्दी को अपने खाने में शामिल करें या रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पिएं। दोस्तों, सेब का सिरका लीवर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। भोजन से पहले सेब के सिरके को पीने से शरीर की चर्बी घटती है। सेब के सिरके को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गिलास पानी में एक चम्मच सेब का सिरका मिलाएं या इस मिश्रण में एक चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार लें। दोस्तों, आंवला विटामिन सी के सबसे संपन्न स्रोतों में से एक है और इसका सेवन लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अध्ययनों ने साबित किया है कि आंवला में शरीर को लीवर को सुरक्षित रखने वाले सभी तत्व मौजूद हैं। लीवर के स्वास्थ्य के लिए आपको दिन में 4 से 5 कच्चे आंवले खाने चाहिए। दोस्तों, पपीता लीवर की बीमारियों के लिए सबसे सुरक्षित प्राकृतिक उपचारों में से एक है, विशेष रूप से लीवर सिरोसिस के लिए। हर रोज 2 चम्मच पपीता के रस में 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिए। इस बीमारी से पूरी तरह निजात पाने के लिए इस मिश्रण का सेवन दिन में 3 से 4 सप्ताहों के लिए करें। दोस्तों, सिंह पुरनी की जड़
सिंह पुण्य की जड़ की चाय लीवर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले उपचारों में से एक है। अधिक लाभ पाने के लिए इस चाय को दिन में 2 बार पिएं। आप चाहें तो जड़ को पानी में उबालकर पानी को छानकर पी सकते हैं। सिंह पुण्य की जड़ का पाउडर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, लीवर की बीमारियों के इलाज के लिए मुलट्ठी का इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल के लिए मुलट्ठी की जड़ का पाउडर बनाकर इसे उबलते पानी में डालें, फिर ठंडा होने पर छान लें। इस चाय रूपी पानी को दिन में 1 या 2 बार पिएं। दोस्तों, पालक और गाजर का रस का मिश्रण लीवर सिरोसिस के लिए काफ़ी लाभदायक घरेलू उपाय है। पालक का रस और गाजर के रस को बराबर भाग में मिलाकर पिएं। लीवर की मरम्मत के लिए इस प्राकृतिक रस को रोजाना कम से कम 1 बार जरूर पिएं दोस्तों। तो दोस्तों, इन उपायों को करें और इन कारणों को जानें जिससे आपका लीवर स्वस्थ रहे और आप लॉन्ग लाइफ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।